बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम रगड़ा पेटीज बनाएंगे। उसके लिए हमें मटर चाहिए। इसे 4 से 5 घंटा या फिर ओवरनाइट हमें इसे भिगो के रखना है पानी में। फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे। और हमें पेटीज बनाने के लिए आलू चाहिए। 4 से 5 अदद आलू हैं। इनको बॉईल करेंगे हम और मैश करेंगे। सबसे पहले हम मटर को उबलने के लिए रखेंगे। उसके लिए हमें प्रेशर कुकर चाहिए। प्रेशर कुकर में हम मटर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और मटर को एकदम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हम इसमें 4 मरतबा प्रेशर आने देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे तो हमारी मटर अच्छे से कुक हो जाएगी। अब हम जब तक हमारी मटर उबल रही है, हम जब तक के ये पेटीज की तैयारी कर लेते हैं। उसमें हम डालेंगे, पहले हम आलू को मैश करेंगे। आलू देखिए अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा है हरा धनिया, और ये 4 बड़े चम्मच है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। सब कुछ डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए सब कुछ अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इस तरह से हम सारी टिक्की रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार है फ्राई करने के लिए। ये देखिए हमारी मटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। पैन को हम गरम करेंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को चटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट करके, और ये थोड़ा सा अदरक और लहसुन है ग्रेट किया हुआ, इसे भी हम इसमें डालेंगे। और प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। प्याज हमारी हल्की हल्की कलर चेंज होने लगी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे कटा हुआ बारीक। टमाटर को भी बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर भी हमारे देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मटर अगर हमारी अगर आपकी ज़्यादा ड्राई हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, क्योंकि बाद में ये थोड़ा ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें हम सारी मटर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देंगे इसे। ये देखिए इसमें एकदम अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको साइड में रखेंगे। दूसरे पैन में हम तेल गरम करेंगे ये टिक्की को फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, फिर हम फ्राई करेंगे।
एक साइड सेकते हुए इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से सेक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम सर्व करेंगे। अब हमारा सब टिक्की भी बन गई है, रगड़ा भी बन गया है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। सर्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इसके लिए हमें हरी चटनी चाहिए, ये दही है, इसमें मैंने शक्कर डाली है और उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, ये खजूर और इमली की चटनी है, ये सेव है, धनिया पाउडर है, कटा हुआ हरा धनिया है बारीक, और ये लेमन जूस है, लाल मिर्च पाउडर है, और ये है चाट मसाला, और बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। और मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। इसमें हम सर्व करेंगे। सबसे पहले डालेंगे ये मटर। डालेंगे ज़ीरा। चाट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, प्याज, ये हमारा रगड़ा पेटीज बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।